फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। रिया सुशांत केस में आरोपी नंबर वन है, लेकिन पिछले दिनों एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बात उन्होंने कही उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिया पर शक गहराता जा रहा है। इंटरव्यू के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को लेकर जो दावे किए हैं उसको सुशांत की फैमिली और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने झूठा करार दिया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार, अंकिता और सुशांत की मेंटल हेल्थ के बारे में काफी कुछ कहा। उनके इस इंटरव्यू पर रिया की फैमिली और अंकिता लोखंडे की तरफ से रिएक्शन आए हैं। रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सुशांत जब चंडीगढ़ जा रहे थे तो वो बहुत खुश थी। रिया ने कहा कि सुशांत खुद उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। रिया के इंटरव्यू के बाद श्वेता सिंह ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो जनवरी का महीना था जब भाई ने रानी दी को बचाव करने के लिए कॉल किया था। उसे ड्रग्स दी जा रही थी, उसका दायरा सीमित कर दिया गया था और वो अकेला था। जैसे ही वो चंडीगढ़ पहुंचा, रिया ने उसको 2-3 दिन में 25 फोन कर डाले। रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत को प्लेन में बैठने से डर लगता था। ये बात उन्होंने रिया को यूरोप ट्रिप के दौरान बताई थी। इसके लिए वो एक दवा लेते थे, वो दवा सुशांत के पास हमेशा रहती थी। रिया के इस दावे पर अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में सिमुलेटर में दिखाई दे रहे हैं। रिया ने कहा था कि सुशांत पहले से ही डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार थे। रिया के इस दावे का जवाब अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर दिया है। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से फरवरी 2016 तक सुशांत उनके साथ रहे। इस दौरान ना उन्हें कभी डिप्रेशन की शिकायत रही, ना वो साइकेट्रिस्ट से मिले। वहीं इस इंटरव्यू को लेकर भी देश भर में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर रिया के इंटरव्यू की आलोचना के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने भी रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सहा नहीं जा रहा है। रिपब्लिक टीवी ने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू का विरोध करते हुए कहा कि वो आरोपियों को मंच नहीं देता। वहीं इंटरव्यू में रिया से किए गए सवाल जवाब को लेकर अर्णब गोस्वामी ने न्यूज चैनल की तुलना करण जौहर के शो कॉफी विद करण से करते हुए कहा कि ये कॉफी विद तक था। अर्णब गोस्वामी ने इंटरव्यू पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि आज टीवी के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई। दुनिया का पहला इंटरव्यू हो रहा है जिसमें सवाल है लेकिन काउंटर सवाल एक भी नहीं है। दरअसल अर्णव उन लोगों में शामिल है जो शुरू से कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। उन्होंने अपने शो में भी कई सारे सबूत पेश किए थे और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए देश भर में मुहिम छेड़े हुए है। हालांकि रिया से अब CBI भी पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।